देखो दोस्तों, बाथरूम का डाइवर्टर है वे, और ये है वॉश बेसिन का डाइवर्टर। बैक कैमरे से दिखाऊंगा। आज हमने कम से कम 3 बाथरूम और एक किचन की फिटिंग की है कंप्लीट। अभी दिखाता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में। और दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो हमने बाथरूम की फिटिंग की, हमने 3 बाथरूम और एक किचन की फिटिंग की है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। हमने प्रॉपर से छोटे से बाथरूम को किस तरह से बढ़िया तरह से उनकी फिटिंग की है, और जो पॉइंटों की हमने फिटिंग की है उसकी हमने कितनी हाइट रखी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने मेन पाइप जो है यहाँ से उतारे हैं। ये दो पाइप जो आप देख रहे हैं, दो पाइपों में हमने एक फ्रेश वाटर, यानी कि ताजा पानी है, क्योंकि मकान मालिक ने बाद में चॉइस की कि हमें बाथरूम के अंदर ताजा पानी चाहिए, तो मोटर जो है वो बहुत आगे लगेगी, क्योंकि ये 200 गज का प्लाट है, लंबाई काफी है, तो और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो हमने इसको एक बार यहाँ से ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरी जो लाइन उतारी है वो हमने उतारी है 1.5 इंची की, क्योंकि प्रेशर बनाने के लिए हम यही करते हैं, फर्स्ट फ्लोर तक जो है 1.5 इंची की लाइन ले जाते हैं, उसके बाद हम उसमें 1.25 का रेड्यूसर लगाते हैं, और उसके बाद वहां से 1 इंची, और सेकंड फ्लोर के ऊपर हम वहां पर 1.25 इंची का पाइप ले जाते हैं, और टंकी तक 2 इंची, तो प्रेशर की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, और ना ही आपको कभी प्रेशर पंप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो है वो है बैठी सीट। तो बैठी सीट के लिए हमने जो टैप का पॉइंट है वो पीछे से 3 फुट पे दिया, और जो उसके फर्स्ट फ्लोर से जो भी उसकी हाइट है वो हमने दिए 15 इंची, ताकि उसके कोई बाल्टी वगैरह रखना चाहे या कोई डब्बा रखना चाहे, तो उसके लिए हमने इसके 15 इंची दिया है। और ये हमारा जो है वो बैठी सीट का, यानी सिंपल टॉयलेट सीट है, उसका सिस्टम का पॉइंट है, जो कि है फर्स्ट फ्लोर से 2.5 फुट है, और साइड से हमारा जो है वो 3 फुट के करीब है, ताकि बैठी सीट के पीछे जो सिस्टम लगे तो उसमें पीयूसी कनेक्शन की कनेक्टिविटी जब करे तो कोई भी परेशानी ना हो। ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं ये हैं हमारे इंग्लिश सीट के, यहाँ पर इंग्लिश सीट लगेगी, वो फर्स्ट फ्लोर से 3 से लगभग 4 इंची की ऊंचाई रहेगी, और ये जो फर्श है बाथरूम और इंग्लिश सीट का, ये फर्श इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश सीट लगेगी 1 पीस की, तो 1 पीस के लिए हमारे पास दीवार, साइड की दीवार थी नहीं जिसपे कि हम राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जो भी है जेट का पॉइंट दे दें। ये जो दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें से हमने एक पॉइंट सिस्टम का दिया है, और दूसरा जो है वो जेट स्प्रे का दिया है, और जो राइट हैंड में है वो हमने हेल्थ फोसेट का दिया है, क्योंकि ज्यादातर हेल्थ फोसेट इंग्लिश सीट में यूज करते हैं, तो राइट हैंड में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद दोस्तों हमने ये डाइवर्टर लगाया है। डाइवर्टर की हमारी हाइट जो है वो 42 इंची है, और ये दो टैप दी है हमने, तो इनमें थोड़ा हमने गैप दे दिया 6.5 इंची का, ताकि डाइवर्टर के नीचे ये देखने में अच्छी लगे, नहीं तो डाइवर्टर की जो टैप है वो हमेशा इसी के नीचे आती है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेश वाटर की टैप है, इसलिए हमने इन दोनों का सेंटर बना दिया, ताकि देखने में अच्छा लगे, और दोनों का गैप जो है 6.5 इंची रख दिया है। शावर की जो हमारी हाइट है वो है 7 फुट की, और आप इधर देख सकते हैं, इधर हमारे जो है वो गीजर के पॉइंट है, जिनकी हाइट हमने फ्लोर से ली है 8 फुट की, और बैक साइड में भी हमने 3 टैप लगाई है, उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर हमने 3 टैप दी हैं, एक पॉइंट जो है हमारा है ताज़ा पानी का, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा ठंडा पानी का, और जो ये है तीसरा पॉइंट जो है हमारा गर्म पानी का, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एक्स्ट्रा दे दिया, ताकि इसमें एंगल वाल लग के और ये परमानेंट इसके अंदर जुड़ जाए। दोस्तों ऊपर सेटरिंग का काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी बना के यहाँ से मैं हटता हूँ। हमने डाइवर्टर दे रखा है वॉश बेसिन का, इसकी हाइट हमारी फ्लोर से 44 इंची है, 44 इंची इसलिए दी है क्योंकि डीपीसी के ऊपर 2 इंची का मार्जिन आएगा, ये देख सकते हैं आप, 43.5 इंची है, ये देख लिया आप, 43.5 इंची है, और 1.5 से 2 इंची इसका फर्श का मार्जिन आ जाएगा, तो ये 41.5-42 इंच के ऊपर रह जाएगा। ये हमारा 42 इंच के ऊपर है, शावर 7 फुट के ऊपर है, गीजर के पॉइंट 8 फुट के ऊपर है, और ये हमारी यहाँ पे है टॉयलेट इंग्लिश से, ये हमारी इंग्लिश टॉयलेट सीट के पॉइंट हैं। यहाँ पे हमने हेल्थ फोसेट का पॉइंट दिया है, यहाँ पे कंसील्ड वाल देके जेट स्प्रे का पॉइंट है, और ये लेफ्ट हैंड में हमने सिस्टर्न का पॉइंट दिया है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आपको किचन की फिटिंग दिखाते हैं, अगर आप लोगों की कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दिखाइए कड़ी सीखा।
ये हमारी किचन की फिटिंग है दोस्तों, यहाँ पे डबल सिंक लगेगा। ये हमने सिंक की ढलाई से या फर्नीचर से पहले हम सिंक की फिटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये हमारी गर्म की टैप है और ये हमारी ठंडे पानी की टैप है, और इसमें हमारी एक ठंडे पानी की टैप है और एक ताज़ा पानी की टैप है, और ये हमने दो पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़े हैं, एक ये वाला और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आर ओ इस दीवार पे लगेगा तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस एंड कैप को पक्का कर देंगे। अगर आर ओ यहाँ केबिन बनेगा, अगर वहां जाएगा तो इस पॉइंट को हम आर ओ के अंदर केबिन के अंदर ले जाएंगे, आर ओ का पॉइंट बना देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। गीजर के पॉइंट हमारे सेम है 8 फुट के ऊपर। अगर दोस्तों ये डबल सिंक की फिटिंग जो है स्लेब ढलाई से और काउंटर से पहले हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप लोगों को देखनी है क्या। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, ये हमारे सामने दो पाइप हैं, हमने दो पाइप उतारी एक इंच की। ये जो नीचे जो पाइप छोड़ रखा हमने, ये है सप्लाई का, टैंकी भरने का, वहाँ से हमने दो पाइप उतारे हैं। और ये हमारा बाथरूम है एक सिंपल, इसमें एक इसकी हाइट हमारी जो है दोस्तों 8 फुट की है, इसलिए हमने इसके गीजर के पॉइंट जो हैं वो फर्श के लेवल से हमने 5 फुट के ऊपर दिए हैं, और ऊपर जो है वो 3 फुट की हमने जगह छोड़ दी जिसमें गीजर लग जाएगा। ये हमारा बाथरूम का डाइवर्टर है और ये हमारा 7 फुट के ऊपर शावर है। यहाँ पर हमारी इंडियन देसी टॉयलेट सीट है जिसमें हमने एक सिस्टर्न का पॉइंट 2.5 फुट के ऊपर दिया है। और ये सामने जो पॉइंट देख रहे हैं ये हमारे टैप का पॉइंट है, ये हमने 6 ईंटों के ऊपर इसलिए दिया है क्योंकि जब ये इंडियन टॉयलेट सीट लगेगी तो ये 4 इंची हमारी फर्श लेवल से ऊंची रहेगी, और उसके बाद में जो है इसका टैप का जो पॉइंट है वो 15 इंच पे रह जाएगा। ये दो पॉइंट हमने निकाले हैं, यहाँ पर जो ऊपर वाला पाइप है वो हमारा गर्म का है और जो नीचे वाला है वो ठंडे पानी का है। यहाँ पर वैनिटी वाश बेसन लगेगा, जब ये दीवार हो जाएगी तो हम इसमें वाश बेसन का डाइवर्टर लगाएंगे। तो दोस्तों जो भी फिटिंग मैंने आप लोगों को दिखाई है, अगर उसमें आप लोगों को कुछ लगता है कि इसको सजेशन देना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और डबल सिंक की हमने ये पहले फिटिंग कैसे की है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।